दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब पूनावाला को आज दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट में पेश करेगी। दिल्ली पुलिस आफताब का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। पुलिस कोर्ट से उसकी रिमांड मांगेगी। इसके अलावा आफताब के फ्लैट से मिले ब्लड के सैंपल जांच के लिए भी भेजे जाएंगे। अगर ये खून इंसान का होता है तो पुलिस डीएनए मैचिंग के लिए श्रद्धा के पिता को दिल्ली बुला सकती है। श्रद्धा की बॉडी के मिले 13 टुकड़ों की भी डीएनए जांच होगी। हालांकि इसी बीच सूत्रों से एक बड़ी खबर ये मिली है कि पूछताछ में आफताब ने बताया है कि 18 मई यानी मर्डर वाले दिन श्रद्धा और उसके बीच घरेलू खर्चे को लेकर झगड़ा हुआ था। रोज रोज के खर्च कौन देगा इसे लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई थी। इसके बाद ही उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। बता दें कि पुलिस पूछताछ में एक और जानकारी ये सामने आई है कि जिसमें बताया गया है कि वारदात के बाद आफताब ने श्रद्धा के अकाउंट से 55,000 रुपए निकाले थे। सूत्रों के मुताबिक ये खर्च उसने फ्रिज खरीदने से लेकर धारदार चाकू और गार्बेज बैग खरीदने के लिए किया था। हालांकि इस पूरे केस से जुड़ा हुआ एक मुख्य गवाह भी सामने आया है। ये गवाह वो डॉक्टर है जिसने मई में आफताब के कटे हुए हाथ का इलाज किया था। उसे पुलिस ने मुख्य गवाह बनाया है। बता दें कि पुलिस ने जब आफताब के फ्लैट की तलाशी ली थी तब एक डॉक्टर का पर्चा उन्हें हाथ लगा था। इसके बाद पुलिस आफताब को लेकर महरोली में डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची थी। तब डॉक्टर ने आफताब की पहचान और इलाज की वजह बताई थी। हालांकि बता दें कि आफताब पूनावाला के धर्म को लेकर भी एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। बड़ी संख्या में लोग उसको पारसी होने का दावा कर रहे हैं। इसकी वजह है उसका सरनेम पूनावाला। आमतौर पर ऐसे सरनेम पारसी लगाते हैं। आफताब ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी अपना धर्म मानवता लिख रखा है। इससे भी बड़ा कंफ्यूजन बढ़ रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि आफताब पारसी नहीं बल्कि मुसलमान है। दरअसल इंस्टाग्राम पर आफताब का एक प्रोफाइल है। इसमें करीब 424 हफ्ते पुराने एक पोस्ट में आफताब ने खुद लिखा है कि मैं एक मुसलमान हूँ। तो ये थी श्रद्धा केस से जुड़ी एक बड़ी अपडेट। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही इस खबर से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।